खबर पंचकूला से है। कालका के गांव ढकरोक के पास हरियाणा रोडवेज की मिनी बस हादसे का शिकार हो गई, जहां सुबह बस रास्ते में बेकाबू होकर खाई में गिरी। हादसे में कई सवारियां घायल हो गईं। घायलों को पंचकूला सेक्टर 6 के अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि बस में करीब 20 स्कूली बच्चे भी सवार थे। वहीं हादसे में गंभीर घायल एक महिला को PGI रेफर किया। वहीं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व विधायक लतिका शर्मा, BJP नेता बंतो कटारिया अस्पताल पहुंचकर घायलों का उन्होंने हालचाल लिया। इस दौरान स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कंडक्टर और ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। बेकाबू मिनी बस खाई में गिरी और कई लोग घायल हो गए। अनफॉर्चुनेट है, स्कूल बस हादसा ग्रस्त हुई है, उसमें से पिंजौर एरिया में हमारे पिंजौर के पॉलीक्लिनिक में 46 बच्चे और बड़े मिला के, उसमें 3-4 बड़े हैं, बाकी बच्चे तो उनका एडमिशन किया गया, उसमें से 22 लोग उन्होंने यहाँ रेफर कर दिए हैं। और उन 22 में से एक एडल्ट फीमेल जो कि वैसे बस से बाहर थी, मतलब बस में नहीं थी, बाहर रोड साइड चल रही होगी, उसको शोल्डर की थोड़ा क्रश इंजरी है, तो वो इन्होंने मैनेज करके रेफर कर दिया है। बाकी सारे पेशेंट हमारे पास है।